जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2009 जो कि नवादा जिला के अभ्यर्थियों का इंतजार की घड़िया समाप्त हो चुकी है और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। साथ में दोस्तों प्रखंड वाइज कितना सीट है 2009 में आपको कितना मिला है और कितना अभ्यर्थी सिलेक्शन हुए हैं और कब आपको बॉन्ड भरने जाना है, क्योंकि दोस्तों एक तरह से ज्वाइनिंग आ गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट लेकर समादेष्टा कार्यालय में पहुंचना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन का आपको टाइम दिया गया है अगर नहीं जाते हैं तो दोबारा आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। दोस्तों चेक करने के लिए इस ऑफिशियल साइट पर नोटिस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइनली आपका जिला समादेष्टा कार्यालय नवादा विज्ञापन संख्या 2009 के जो भी अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर आ गया। दोस्तों फर्स्ट में यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, 6 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में लेकर जाना है। आपको बताते चले कि यह कल ही रात में जारी हुआ था, लेकिन मेरे पास काफ़ी दोस्तों आवाज़ आ रही थी जिससे वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाया और आज मैं आपको बताने के लिए सुबह सुबह आ गया हूँ। यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करना है इसको, नोटिस को, और अपने आप से खुद सब कुछ चेक कर लेना है। यही नोटिस है, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले से मैं डाउनलोड किया हूँ। देख सकते हैं सब कुछ निर्देश दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप फर्जी पकड़े जाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट सत्यापन के दौरान तो आपका अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जाएगा, उम्मीदवारी यहाँ से हटा दिया जाएगा। और 3 नंबर में आपको लिखा है कि दहेज वहेज नहीं लेना है। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका शादी उदी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो बूढ़ा करके भर्ती हो रहा है तो सभी का शादी हो गया है, इसमें कोई बात नहीं है। 4 नंबर में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका चयनित अभ्यर्थी है प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन सब कुछ होने वाला है, उसके बाद सही पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर बॉन्ड भरा जाएगा, पुनः नामांकन भरने की कार्रवाई किया जाएगा, यानी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 6 नंबर में देख सकते हैं आपको 1 नवंबर से पहले जाकर सब कुछ करा लेना है। यहाँ पर नीचे में भी आपको डेट देना है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट आवेदन करते समय दिए थे सभी डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सब कुछ दोस्तों आपको लेकर कार्यालय पहुँच जाना है 10 नवंबर से पहले। यानी दोस्तों आज हो गया आपको 6 नवंबर, तो आपके पास 4 दिन समय बचा है। इससे पहले सभी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आप आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट, आपको मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, जो कि आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं कि प्रखंड वाइज सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होगा, तो क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ सुथरे शब्द में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर जनरल के अभ्यर्थी होंगे तो 2 सीट मिला है और 2 यहाँ पर सलेक्शन भी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं शेष कोई बचा उचा नहीं है। यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग से EBC में 3 अभ्यर्थी हैं तो 3 के सिलेक्शन हुआ है, और अनुसूचित जाति में यहाँ पर 5 है तो 5 के सिलेक्शन हुआ है, और जो भी नीचे जाति हैं उनका सीट नहीं है, वो कितना भी नंबर लाए होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर 10 अभ्यर्थी हैं तो 10 अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम भी दे दिया गया है। तो दोस्तों हम बार बार वीडियो में ये भी बता रहे थे आप लोग का, आप लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं दोस्तों, इसमें आपको जो भी कैटेगरी का जो सीट है उसी को सिलेक्शन किया जाता है। बचेगा तो आगे मैं बताऊंगा कि वह सीट आपको खाली ही रह जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गोविंदपुर में आप लोग देख सकते हैं, जो कि पिछड़े वर्ग BC का 1 सीट है और 1 अभ्यर्थी था उनका सिलेक्शन हो गया है। अति पिछड़े वर्ग का 1 अभ्यर्थी, यहाँ पर 1 सीट था लेकिन अभ्यर्थी 1 को नहीं, तो शेष दोस्तों 1 सीट बच गया है, इसमें दूसरे कैटेगरी का नहीं आएगा। आप लोग साफ सुथरा शब्दों में समझ सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग
चेक कर लीजिएगा जो भी आप प्रखंड के हैं। कोई भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।